और इस बीच अल शिफा के डायरेक्टर का बयान सामने आया, बिजली पानी ऑक्सीजन कुछ भी नहीं है हॉस्पिटल में, अस्पताल में डॉक्टर से भी संपर्क नहीं हो पा रहा, डॉक्टर्स आपस में भी बात नहीं कर पा रहे हैं। तो अल शिफा हॉस्पिटल में क्या कंडीशन है, क्या सिचुएशन है, इसको लेकर ये बयान सामने आया और ये कहा गया है कि जो बेसिक चीजें हैं वो भी नहीं है, यानी बिजली पानी ऑक्सीजन ये भी हॉस्पिटल में नहीं है और डॉक्टर्स भी आपस में कनेक्टेड नहीं है। इस बीच गाजा की त्रासदी पर यूएन का बयान सामने आया, 70% लोगों के पास पीने का पानी नहीं है, मदद के इंतजार में लोग मारे जाएंगे, यूएन की तरफ से ये कहा गया है। 70% लोगों के पास पीने तक का पानी नहीं है और अगर मदद नहीं पहुंची तो ये लोग मारे जाएंगे, यूएन की तरफ से ये बयान जारी किया गया है। इजरायली सेना के काफिले पर फायरिंग की भी खबर है, अलफरा शिविर में सेना के काफिले पर गोलीबारी की गई है, यह खबर सामने आ रही है। इजरायली सेना आईडीएफ के ऊपर ये हमले किए गए हैं, इजरायली सेना का काफिला यहां से गुजर रहा था और उसी दौरान ये देखिए तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरीके से इजरायली सेना के ऊपर ये फायरिंग की गई है, अलफरा शिविर में सेना के काफिले पर यह गोलीबारी की गई है। और गाजा जंग को लेकर नेतन्याहू से इस्तीफे की मांग भी सामने आ रही है, विपक्षी नेता यायर लैपिड ने इस्तीफे की मांग की है, युद्ध पर सरकार की खराब रणनीति ये आरोप लगा रहे हैं लैपिड और नेतन्याहू पर जनता को भरोसा नहीं है, नेतन्याहू के ऊपर लैपिड का आरोप है प्रधानमंत्री को बदलने की जरूरत है लैपिड ने कहा है। तो नेतन्याहू पर लगातार सवाल भी उठ रहे हैं, जैसे जैसे ये लड़ाई आगे बढ़ती जा रही है, यायर लैपिड ने क्या बयान दिया है, बिग वॉल के माध्यम से हम जल्दी से उन बयानों पर नजर डालते हैं। तो यायर लैपिड का बयान सबसे पहले नंबर वन जो बात कही उन्होंने कि जंग पर नेतन्याहू की रणनीति खराब है, अभी तक का जो अप्रोच जो पॉलिसी रही है वॉर की उस पर उन्होंने सवाल उठाए। दूसरा, नेतन्याहू को इस्तीफा दे देना चाहिए, अभी तक सफलता नहीं मिली है तो वो सीधे तौर पर कह रहे हैं कि नेतन्याहू रिजाइन करें, 7 अक्टूबर के बाद एक्शन में कमी आई है, यह भी कह रहे हैं लैपिड, इजराइल को नेतन्याहू पर भरोसा नहीं है, इजराइल के लोगों का भरोसा नेतन्याहू पर नहीं है, यह आरोप है यायर लैपिड का। देश इस वक्त खराब स्थिति में जा रहा है और ऐसे में नेतन्याहू को इस्तीफा दे देना चाहिए, प्रधानमंत्री नेतन्याहू को बदलना होगा और ये कौन कह रहा है, लैपिड का ये बयान है जो विपक्ष के नेता है, 2022 में इजरायली प्रधानमंत्री रहे हैं और ऐसे में उनका बयान काफी महत्वपूर्ण, विदेश मंत्री भी रह चुके हैं लैपिड, लंबा अनुभव रहा है इजरायल की लीडरशिप में, विपक्षी पार्टी यश अतीत के चेयरमैन हैं लैपिड जिन्होंने ये बयान दिया है, नेतन्याहू पर यह गंभीर आरोप लगाए हैं। और एक तरफ गाजा और यूक्रेन का फ्रंट खुला हुआ है तो दूसरी तरफ पुतिन विनाश का तीसरा गेट खोलने की तैयारी कर रहे हैं, पुतिन अबखाजिया में नेवल बेस बनाने जा रहे हैं, सवाल यही है कि आखिर पुतिन ऐसा क्यों कर रहे हैं, उनका प्लान क्या है, रूस के टारगेट पर कौन है, देखिए रिपोर्ट। क्या गाजा यूक्रेन के बाद एक और युद्ध शुरू होने जा रहा है? क्या पुतिन अब खाजिया से जंग छेड़ने जा रहे हैं? क्या पुतिन अब खाजिया से अपना ऑपरेशन नाटो शुरू करने जा रहे हैं? रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने जो फैसला किया है उससे तो यही लग रहा है। दरअसल रूस अब खाजिया में बहुत बड़ा नेवल बेस बनाने जा रहा है, अब खाजिया जॉर्जिया में आता है जिस पर फिलहाल रूस का कब्जा है, अब खाजिया में पुतिन नेवल बेस बनाने जा रहे हैं। पुतिन के इस फैसले से नाटो देश भड़क गए। नाटो चीफ जेंस स्टोल्टेनबर्ग ने कहा कि अब खाजिया में रूस जो बेस बनाने जा रहा है वो नाटो को अस्वीकार है क्योंकि रूस जॉर्जिया की जमीन पर बेस बनाने जा रहा है।
पुतिन के इस फैसले के बाद अमेरिका भी भड़क गया है। सवाल ये कि अमेरिका और नाटो क्यों भड़क गए, पुतिन अब खाजिया में ही बेस क्यों बनाने जा रहे। यूक्रेन, मोल्दोवा, रोमानिया, बुल्गारिया, स्लोवाकिया, हंगरी और तुर्की, ये वो नाटो या नाटो समर्थित देश हैं जो अब खाजिया के करीब है। यानी अब खाजिया में बेस बनाने से इन सभी देशों में रूसी सेना की पहुंच आसान हो जाएगी, इसीलिए पुतिन अब खाजिया में बेस बना रहे हैं। पुतिन के इसी कदम से बाइडेन और नाटो बौखला गया है। लेकिन पुतिन को ना तो नाटो का डर है ना ही अमेरिका से। वो तेजी से न्यूक्लियर तैयारी कर रहे हैं ताकि अमेरिका और नाटो के खिलाफ एटमी जंग छेड़ी जा सके। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। इस वक्त एक और बड़ा अपडेट, उत्तरी गाजा में इसराइल का हमला, इंडोनेशिया अस्पताल के पास बमबारी की है, हमास के ठिकानों को निशाना बनाया, हमले में हमास के ठिकाने तबाह हुए। कि बेतलम के पास भीषण हमला हुआ है, सुरंग चौकी के पास लगातार गोलीबारी की खबरें सामने आ रही हैं। बेतलम के पास भी भीषण हमला, ये तस्वीरें उसी अटैक की, उसी गोलीबारी की, सुरंग चौकी की तस्वीरें जहां पर लगातार फायरिंग की खबरें सामने आ रही।